जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज का वीडियो आप सबों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में जो है 5 अंक वाला सवाल कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। टोटल के टोटल क्वेश्चन बता देंगे कि वो 8 क्वेश्चन कौन कौन होगा जो पूछा जाएगा और उन 8 में से 4 क्वेश्चन कौन होगा जो आपको बनाना है, ठीक ना। हाँ, तो इससे के लिए आपको जो है पूरे अंत तक देखना पड़ेगा एक बार, और जब पूरे अंत तक देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये है 4 को बनाना है और बस उसी 4 क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है आपको बोर्ड एग्जाम में जाकर। ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत है नहीं, ठीक ना, ज्यादा इधर उधर करने की है जरूरत नहीं। बस आपको जो है इतना ही पढ़ लेना है जितना बताया जा रहा है, इतना यदि आप तैयारी कर लेते हैं, ठीक है ना, इतने क्वेश्चन को यदि आप देख लेते हैं तो 4 क्वेश्चन एकदम आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ, एक बात और आप लोगों को कहना चाहेंगे कि आप लोग बार बार यही कमेंट कर रहे थे कि सर 5 अंक से कौन कौन सवाल पूछा जाएगा उसको बता दीजिए, तो आपके डिमांड पर ये वीडियो लेकर आए हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज और हम आपको कह देना चाहेंगे कि जो सवाल अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है, पहली बात तो हम या कोई भी शिक्षक क्वेश्चन सेटर नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ताकि क्वेश्चन सेट करते हैं तो हमको मालूम है कि एकदम यह पूछेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पर क्वेश्चन का सिलेक्शन करते हैं या उस क्षेत्र का सिलेक्शन करते हैं, एक्सरसाइज का सिलेक्शन करते हैं कि यहां से सवाल पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो उस को आधार मानकर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आधार मानकर जो है क्वेश्चन का सिलेक्शन किया जाता है कि कौन सा सवाल आपसे पूछा जाएगा 2023 या 2022 या 2000, इसी तरीके से जो है क्वेश्चन का सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो यदि सेम क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो उसी टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछेगा, समझ लीजिएगा, समझ में आ रहा है बात। यदि सेम नहीं पूछा तो उस टाइप का जरूर क्वेश्चन पूछेगा या उस एक्सरसाइज से जरूर पूछेगा जहां से आपको बता दिया जा रहा है, बस आपको उतना तैयारी कर लेना है अच्छा से, ठीक है ना। और एक बात और कहना चाहेंगे कि यदि आप पूरे 1 साल पढ़ाई किए हैं बेहतरीन तरीके से, यदि आपकी तैयारी बहुत बेहतर है तो आपको ऐसे सोचने की जरूरत ही नहीं है कि सर क्वेश्चन कहां से पूछेगा। ये वैसे लोगों का सवाल होता है जिनका कि 1 साल ठीक से नहीं गया है, जिन्होंने कि 1 साल ठीक से पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। तो ये वैसे लोगों का प्रश्न होता है, उनको लगता है कि अच्छा कोई एक प्रॉपर क्षेत्र यदि मालूम हो जाए, यदि कुछ क्वेश्चन वैसा मालूम हो जाए जिसको यदि हम तैयार कर ले तो बोर्ड एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए भी ये जो है ये वीडियो बहुत ज्यादा जो है सुटेबल होने वाला है, और जिनकी तैयारी पूरी बेहतर तरीके से है उनके लिए और बेहतर हो जाएगा कि उनको पता चल गया कि अच्छा चलिए इसी क्षेत्र से पूछेगा तो उसकी तैयारी बेहतर तरीके से कर लेंगे। यदि नहीं भी बताया जाए तो जिन्होंने 1 साल बेहतर तरीके से पढ़ा है, जिनकी तैयारी बेहतर है, सवाल कहीं से भी पूछेगा जवाब दे देंगे आसानी से। इसलिए आप लोग को हम बार बार कह रहे हैं कि सवाल चाहे कहीं से भी पूछे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, जवाब देने आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए पूरे साल भर मेहनत करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और आप लोग के छोटे भाई बहन के लिए जो 2023-24 में जिनका एग्जाम होने वाला है उनके लिए हमने जो है ध्यान से देखिएगा एक कोर्स लेकर आया है, ठीक है। उस कोर्स के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे दे, ठीक है, यहां पर देख लीजिएगा, देख लीजिए ये कोर्स आपका है जिनका एग्जाम 2023-24 में होने वाला है। यदि वो पूरे साल बेहतर तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं, गणित सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए कोर्स लेकर आए हैं हम। और ये कोर्स जो है इसमें आपको पूरे के पूरे मैथमेटिक्स की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है ना, और बहुत सारी चीजें इसमें है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, टोटल मटेरियल जितना भी होना चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए टोटल तैयारी आपको कराया जाएगा, ठीक है। और ये जो क्लास आपका शुरू हो रहा है 15 तारीख से शुरू हो रहा है, 15/1/2023, इसके लिए फी रखा गया मात्र ₹799, जो कि 10/1/2023 तक ही लागू है, यानी 10 तारीख तक, कल तक, आज 9 तारीख है ना, हाँ आज 9 तारीख है, तो कल तक ये ऑफर लागू है, ठीक है। जो भी आपके छोटे भाई बहन है यदि इसमें जुड़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या करना होगा आपको ध्यान से देख लीजिए। यह हमारा नंबर है 6200122528, ठीक है ना, इस नंबर पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब इस पर चल रहा है, ठीक है। तो आप इस पर पेमेंट कर लेंगे, पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है
इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, नीचे अपना पूरा डिटेल लिखिएगा, ठीक है। आपको जो है ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां से आपको लाइव क्लास का जो लाइव क्लास हमारा होगा उसका लिंक आपको मिल जाएगा और आप आसानी से पूरी तैयारी कर सकते हैं। पीडीएफ वगैरह भी आपको वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, इसको हटा दे, चलिए आप हट जाइए, आपका कोई काम नहीं, जाइए। चलिए देखिए, हाँ, तो अब हम बात करने वाले हैं कि क्लास ट्वेल्थ जो आपका है उसमें बोर्ड एग्जाम 2023 में दीर्घोत्तरीय प्रश्न यानी 5 अंक का प्रश्न कौन कौन पूछेगा, आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं, बारी बारी से शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 2 से, एक की बात नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। एक्सरसाइज 2 की बात करेंगे सबसे पहले कि एक्सरसाइज 2 में जो है कौन कौन से सवाल पूछने की संभावना बनती है, जैसे इनवर्स, इनवर्स से आप देख सकते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने कुछ सवाल का सिलेक्शन किया है, ठीक है। और आपको बता दें कि ये सब क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है कि पूछने की संभावना बनती है। 5 अंक की बात कर लेते हैं, तो ये देखिए सिद्ध करने वाला जो प्रश्न आपका है, ध्यान से सुनेंगे इधर, ये जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आपका है, आर ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो सिद्ध करे कि टेन इनवर्स वाई जेड बटा में एक्स आर प्लस टेन इनवर्स जेड एक्स बटा में वाई आर प्लस टेन इनवर्स एक्स वाई बटा में जेड आर बराबर पाई वाई टू। या दूसरा ये वाला प्रश्न देखेंगे ध्यान से, इधर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर पाई बाई टू, तो सिद्ध करें कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर वन। या फिर गौर करेंगे इधर, एक ये सवाल भी बहुत ज्यादा हिट है इस बार के लिए, ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। टेन इनवर्स रूट अंडर वन प्लस एक्स माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स बटा में रूट अंडर वन प्लस एक्स प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स बराबर पाई फोर माइनस वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स, ये सवाल। अन्यथा यदि बात करें, यहां पर देख लीजिए हमने एक सवाल लिखा है ये वाला, ठीक ना। इस तरीके का तीन तीन गो वाला जितना भी है, चाहे साइन साइन वाला, साइन कॉस टेन, कुछ भी हो, जो तीन तीन गो वाला होता है ना, ऐसा तीन गो वाला, ठीक है ना, ये तीन गो वाला सवाल जो है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा पूछने की संभावना है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि इसको हम एक बार छोटा कर देते हैं। आपको क्या करना है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए। बाद में नहीं कि सर पीडीएफ दीजिए, फलना चिलना कुछ नहीं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं मैट्रिक्स की तरफ, ध्यान से सुनिएगा। मैट्रिक्स में जो आपका सवाल पूछेगा आपसे, गौर करेंगे इधर, ए बी के इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। अच्छा, इसमें जो है चाहे 2×2 कोटि का मैट्रिक्स दे सकता है आपको, या फिर 3×3 कोटि का मैट्रिक्स दे सकता है, लेकिन सवाल का जो पूछने का पैटर्न होगा यही पूछेगा। 2×2 कोटि का मैट्रिक्स दे देगा, चाहे 3×3 कोटि का मैट्रिक्स दे देगा, ठीक है। पूछेगा ए बी के इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है ना, बी इनवर्स ए इनवर्स। चलिए, या फिर इनवर्स, यानी हाँ इनवर्स, प्रथम सिद्धांत से गौर करेंगे इधर, प्रथम रूपांतरण विधि से, रूपांतरण विधि से आपको जो है कहेगा कि ए इनवर्स का मान ज्ञात करें, ठीक ना, हाँ ए इनवर्स का मान ज्ञात करें। या फिर समीकरण वाला सवाल, समीकरण समझ रहे, समीकरण समझ रहे, कौन वाला, ए क्यू प्लस फाइव ए स्क्वायर प्लस थ्री ए माइनस सिक्स आई बराबर जीरो, इस टाइप का जो होता है ना, इस टाइप का जो होता है ना, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। देख लीजिएगा, एक एक करके हम पूरा क्राइटेरिया बता रहे हैं, और आप इसको पूरा अच्छा से बना लीजिएगा, सवाल एक भी नहीं छूटेगा आपसे। और अंतिम में आपको ये बताना है, बताने वाले हैं कि 4 सवाल कौन कौन आपसे पूछेगा, ये पूरे 8 की बात कर रहे हैं अभी हम, कि 8 सवाल में कौन कौन सवाल आने वाला है। हाँ, इस टाइप का गुना जो है, इस टाइप का गुना, ठीक है, एक क्वेश्चन हम यहां पर लिख दिए हैं, लेकिन इस टाइप का जो गुना होता है, 12 वाला गुना, ठीक है ना, ये भी सवाल आपसे जो है मैट्रिक्स में पूछा जा सकता है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितना बताया जा रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको जो है बाद में पीडीएफ की आवश्यकता ना हो। चलिए देखिए अगला, मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही रहता है, ठीक है ना, ये बड़ा वाला जो सिद्ध करने वाला आता है ना, ये बड़ा वाला क्वेश्चन जो सिद्ध करने वाला आता है, ठीक है, इसको आप देख ही लीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन हो जाए उसको आप देख ही लीजिएगा एक एक करके, ठीक है, कोई एक सवाल यहां से पूछ ही दिया जाता है। अन्यथा ये भी बहुत ज्यादा इस बार के लिए हिट है, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। इसके बाद आप चाहे तो उपसारणिक, सहखंड, सहखंडज और प्रतिलोम को एक बार अच्छा से रिकैप कर लीजिएगा, ताकि कुछ भी यदि पूछे इसमें,
यदि प्रतिलोम भी पूछेगा तो आपको इतना क्रिया करना पड़ेगा, शाखंड पूछेगा तो ये करना पड़ेगा, शाखंड या उपसारणी कुछ भी आपसे पूछ सकता है। इसलिए इस टॉपिक को अच्छा से देख लीजिएगा पूरे के पूरे को। और ये तो सिद्ध करने वाला, सॉरी ये सिद्ध करने वाला नहीं, इसमें क्या करेगा कि कोई आपको एक मैट्रिक्स दे देगा, ए बराबर कोई मैट्रिक्स दे देगा। यदि यहां पावर तीन है तो तीन गुने तीन कोटि वाला दे देगा, या यदि पावर दो है तो दो गुने दो कोटि वाला दे देगा, और कहेगा कि इस समीकरण की सहायता से ए इनवर्स का मान ज्ञात करें। ठीक है ना, समीकरण की सहायता से ए इनवर्स का मान ज्ञात करें, तो आप उसका आसानी से जो है सॉल्यूशन कर लेंगे, और यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है पांच अंक में। ठीक है ना, एक छोटा सा और जोड़ना चाहेंगे हम कि जो तीन समीकरण वाला होता है, जैसे मान लीजिए कि यहां कि 2x प्लस 3y प्लस 5z सॉरी प्लस 5z बराबर 0, ऐसे करके 2x प्लस y प्लस z बराबर 0, x प्लस y प्लस z बराबर 0। ठीक है ना, इस टाइप का जो तीन को इक्वेशन आता है, ठीक है, और इसमें x का मान निकालने के लिए भी आपसे पूछा जाता है, यह भी सवाल आपके पांच अंक का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए आइए इधर बढ़ते हैं, आप थोड़ा सा और आगे बात आती है डिफरेंशिएशन की, यहां आपको ठीक से समझने की जरूरत है। ठीक है ना, क्योंकि एक सवाल यहां से पूछेगा और चार क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको इसमें से बनाना है। समझ में आ रहा है, एक क्वेश्चन आपको इसमें से बनाना है। एक क्वेश्चन आप इनवर्स मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट तीनों में से किसी एक से बना सकते हैं, तीनों में से किसी एक से पूछेगा, आप तीनों में से किसी एक से बना लीजिएगा। लेकिन एक सवाल यहां से पूछेगा और एकदम यहां का टारगेट फिक्स करके हम रखे हैं, देख लीजिएगा टारगेट फिक्स है। ये भी क्वेश्चन आपका है कि x के पावर y, y के पावर x बराबर 1, तो dy बटा dx बराबर क्या होगा, x के पावर m into y के पावर n बराबर x plus y के पावर m plus n, तो सिद्ध करेगी dy बटा dx बराबर y बटा x। देख लीजिए ये दोनों सवाल जो है कहां से है, तो ये दोनों सवाल है कि दोनों तरफ लॉग लगाकर बनाने वाला जो एक्सरसाइज आपका है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.5 और विविध। ठीक है, हाँ 5.6 और विविध प्रश्नावली। ठीक है ना, ये दो सवाल तो आपको देखना ही देखना है, इसके अलावा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.5 5.6 और विविध प्रश्नावली में जो भी दोनों तरफ लॉग लगाकर बनाने वाला क्वेश्चन है आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है ना, यहां से एक सवाल पूछा जाएगा, हमें लगता है कि ज्यादातर चांस है इस बार ये सवाल आपसे पूछ दिया जाए या इसी टाइप का कोई सवाल आपसे पूछे। ठीक ना, इसी टाइप का डिफरेंशिएशन से, नॉर्मल डिफरेंशिएशन पूछेगा तो उसका डिफरेंशिएशन करना आपको आसानी से आता है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन के सवाल को तो आप बुखार उतार दीजिएगा। ठीक ना, हाँ इसमें जो है दोनों तरफ लॉग लाकर बनाने वाला है, इसको आप एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, सवाल यहां से आपके पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन आपको इसमें से बनाना है। उधर तीन में से कोई एक आप बना सकते हैं, एक डिफरेंशिएशन से आपको बनाना ही है, दो हो गया है, बच गया दो। चलिए देखिए, हाँ एक क्वेश्चन यहां से पूछा ही जाता है हर साल, रोले का प्रमेय मध्यमान प्रमेय, रोले का प्रमेय मध्यमान प्रमेय। ठीक है ना, एक क्लास में हम ये पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। यदि आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन यहां से भी आपसे पूछेगा, क्वेश्चन छोटा होता है पांच अंक पूरा देता है। ठीक है ना, और एकदम फिक्स रहता है टारगेट, छोटा सा क्वेश्चन होता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट के आधार पर यह क्वेश्चन बनता है। तो एक क्लास में ये पूरा का पूरा हम खत्म कर देंगे, एक क्वेश्चन आप चाहे तो यहां से भी बना सकते हैं। ठीक है ना, हाँ आगे बढ़ जाइए, ये देखिएगा इंटीग्रेशन यानी अनिश्चित समाकलन। अब यदि आप अनिश्चित समाकलन से सवाल बनाना चाह रहे हैं तो आपको दो चीज को देखना पड़ेगा, खंडस समाकलन को अच्छा से देख लीजिए, आंशिक भिन्नों के समाकलन को अच्छा से देख लीजिए। ये दो ही पार्ट से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पांच अंक में, एक तो खंडस समाकलन, एक पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्नों का समाकलन, बस दो ही पार्ट से। इसी दोनों को देख लीजिएगा तो कोई एक सवाल आपसे पूछ देगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि एक क्वेश्चन यहां से बन जाए, एकदम आसानी से बन जाएगा। ठीक ना, देख लीजिए इसको ठीक से, एक तो खंडस समाकलन, एक आंशिक भिन्नों का समाकलन, ये दो पार्ट। ठीक है ना, चलिए देखिए आगे बढ़ जाते हैं निश्चित समाकलन से। निश्चित समाकलन से ये क्वेश्चन एकदम हिट है। ठीक है, या तो सिर्फ अकेला ये पूछ देगा, या फिर अकेला ये पूछ देगा, या दोनों को एक के साथ पूछ सकता है। गौर करेंगे इधर, log sin x dx, log cos x dx, या फिर दोनों एक के बार पूछ देगा, दोनों एक के बार पूछ देगा कि log sin x dx बराबर log cos x dx बराबर इतना, क्योंकि दोनों का आंसर सेम है, आप देख सकते हैं दोनों में जो है बराबर सिद्ध करना है। तो हो सकता है कि अकेला ये पूछे, या अकेला ये पूछे, या दोनों को एक साथ मिलाकर पूछ दे। ठीक है, एक सवाल तो ये होता है निश्चित समाकलन का, और एक निश्चित समाकलन का इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी देख लीजिए,
यदि ये नहीं रहा तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ये टाइप आपको पहले से ही पता है, ठीक ना। सीमा का मान 0 से पाई बाई 2 होगा, जो फंक्शन ऊपर में होगा वही नीचे में होगा, उसका 90 डिग्री माइनस थीटा इधर होगा, पावर सबका सेम टू सेम होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को जब आप सब्जेक्टिव में बनाते हैं तो समीकरण एक और समीकरण दो मानकर बनाते हैं, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव में इसका आंसर पाई बाई 4 के बराबर हो जाता है। क्लियर हो गया, चले देख लीजिए। तो एक सवाल तो यहां से एकदम फिक्स हो गया। तो आपको क्या करना है कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और इनवर्स में से कोई एक सवाल, ठीक ना, आपको बनाना है। दूसरा आपको क्या करना है कि डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक ना, और एक मध्यमान से प्रमेय को क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। अब उसके बाद यदि मध्यमान आपको छोड़ना है या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में से छोड़ना है तो इंटीग्रेशन से क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ठीक है, और एक निश्चित समाकलन से क्वेश्चन को बना लीजिएगा। इंटीग्रेशन में से या तो अनिश्चित या निश्चित, दोनों में से किसी एक ही क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, ठीक है। कोई एक ही क्वेश्चन आपको बनाना है, या तो अनिश्चित बना लीजिए या निश्चित बना लीजिए, ठीक ना। और एक तो ग्राफ है 5 अंक का, बात खत्म हो गया, 4 क्वेश्चन तो हो ही गया, देख लीजिए। बाकी और भी क्वेश्चन है बनाने के लिए, तो देख लीजिए। यहां पर आपको सदिश के रूप में जो है सदिश से यह वाला क्वेश्चन सिद्ध करने वाला, यह सिद्ध करने वाला, इस टाइप का क्वेश्चन, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट से सिद्ध करने वाला क्वेश्चन, जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट में जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आता है वहां से सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद ये देखिएगा 3D से इस टाइप का जो इक्वेशन वाला सवाल होता है, आप देखेंगे इस टाइप के इक्वेशन वाला जितना भी क्वेश्चन है उसको आप बेहतरीन तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है ना। यदि आपको वेक्टर और 3D पर पकड़ है तो उधर छोड़ दीजिए, इधर क्वेश्चन बना लीजिए, क्या दिक्कत है। ऑप्शन तो बहुत जगह आपको दिया जा रहा है। अब चलिए सबसे लास्ट में आपका जो है ग्राफ, ये तो आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है ना। ग्राफ तो आपको बनाना ही बनाना है, चाहे वो 2 असमिका वाला होगा या 3 असमिका वाला होगा, उच्चतम मान पूछे या न्यूनतम पूछे फर्क नहीं पड़ता है, आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है। तो अब आपको बता दे कि 4 सवाल कौन कौन आपको बनाना है, देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन तो आप ग्राफ का रख लीजिए, एकदम ग्राफ बना ही दीजिएगा। दूसरा सवाल समाकलन में से हम ऑप्शन आपको दे दिए हैं, समाकलन में से या तो आप निश्चित या अनिश्चित, दोनों में से कोई एक सवाल बना लीजिए, दूगो हो गया, ठीक है ना। यदि आपका वेक्टर और 3D में आपको मजा आ रहा है तो वेक्टर और 3D में से कोई एक सवाल बना लीजिए, 3 हो गया, ठीक है ना। उधर आपका बच गया डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन। इसके बाद आपका बच गया मैट्रिक्स और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तीनों में से कोई एक ही क्वेश्चन आपको बनाना है तो तीनों में से कोई एक बना लीजिए, 4 क्वेश्चन हो गया, 8 में से कोई 4 को आपको बनाना है, ठीक है ना। और इस तरीके से ये बहुत आसान है, ठीक है ना, बहुत आसान है। जितना आपको बता दिए हैं सवाल इसी में से पूछा जाएगा, इसी में से इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये नहीं करे कि सेम वही पूछेगा, टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जब आप इसको पूरा अच्छा से देख लेंगे, ठीक है ना, तो आपसे कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। और यदि आप कहते हैं, ठीक है, तो हम जितना बताए हैं उसको हम पढ़ा भी सकते हैं, जो जो बताए हैं कि हाँ यहां यहां से देखना है, ठीक है ना, तो उसको हम पढ़ा भी सकते हैं। कोशिश करेंगे कि किसी दिन लाइव आकर जो है ना, 2-3 घंटा लगेगा, एक बार में सब पढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। वक्त ये देना पड़ेगा कि हमारे पास इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, ठीक ना, तो इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, तो इसके लिए इंटरनेट चलता है रात में तेजी से। तो रात में 12 बजे से लेकर जो है सुबह में यदि आप 3-4 बजे तक क्लास ले सकते हैं, यदि आप उसके लिए तैयार हैं, तो हम जगने के लिए तैयार हैं आपके साथ, ठीक है ना। 3-4 घंटे का क्लास होगा, 3-4 घंटा में पूरा का पूरा ये खत्म, कुछ भी आपको लफड़ा नहीं बचेगा, सबके सब जहां जहां जो बता दिए हैं वहां से टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। बस आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए घर पर बैठकर, हो गया 5 अंक वाला, 5×6=20 कंप्लीट, ठीक है ना। और अभी जो है आपके परिवार में 1,49,900 कुछ सब्सक्राइबर अभी, मतलब सदस्य उसमें जुड़ चुके हैं, ठीक है ना। सब्सक्राइबर नहीं कहते हम, सदस्य कहते हैं, क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से उसे 150 कर दीजिएगा, ठीक है। और हम चाह रहे थे कि 150 पर जो है हम लाइव आकर आप लोग को दिखाएं, लेकिन हमारे पास इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना, इसलिए लाइव नहीं आ सकते हैं। हमें बहुत मन था कि हम लाइव आए और आप लोगों से जो है, आप लोग भी उसे देखें, उसे पूरा करें, ठीक ना, सब लोग एक साथ मिलकर उसे पूरा करें, लेकिन अब क्या कीजिएगा, इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है, हम आपको दिखाएंगे जरूर, वो जो कम डाउन चलेगा नहीं होता होता है, बढ़ता है एक एक करके, उसका हम वीडियो ही करके आपको दिखा देंगे, एक वीडियो के माध्यम से, ठीक है। बाकी आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें, और इसी तरीके का जो है
आपको तैयारी करने की जरूरत है, दिल से मेहनत करने की जरूरत है। बचे हुए अब जो दिन आपके पास है, ठीक है ना, ये जो 18-19 दिन आपके पास है, इसको अपने आप को भूल जाइए कि आप कौन है। बस समझ लीजिए, आप भूल जाइए कि हमारे पास कोई रिश्तेदार भी है, कोई नातेदार भी है, कोई दोस्त भी है, कोई यार भी है। है ठीक है, कोई बात नहीं है, पढ़ने वाला है तो आके बैठ के पढ़, ना पढ़ने वाला है तो भाग, तू जो कोई काम नहीं है तुमसे भी, ठीक है ना। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट बनाकर रखने की जरूरत है आपको, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।